दोस्तों आप देख रहे हैं क्रिकोन। दोस्तों न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने वाली सीरीज को रद्द कर दिया है, आपको मालूम हो गया होगा। न्यूजीलैंड की टीम ने पहला वनडे मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले ही खेलने से मना कर दिया और न्यूजीलैंड ने इस पूरी सीरीज को रद्द कर दिया और साफ तौर पर कहा क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी अलर्ट मिला है और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की सुरक्षा ज्यादा अहम है, इसलिए उन्होंने ये पूरा सीरीज रद्द कर दिया। और न्यूजीलैंड के मैच रद्द करते ही पाकिस्तान की एक बार इंटरनेशनल लेवल पर फजीहत हो गई। वो पाकिस्तान जो अपने देश में दोबारा से क्रिकेट को बहाल करने के रास्ते तलाश कर रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा मैच कराने की कोशिश कर रहा था, एक बार फिर इन कोशिशों पर पाकिस्तान को गहरा झटका लगा है। और वो इसलिए क्योंकि 2009 में श्रीलंकाई टीम पर लाहौर में उनकी बस पर हमला हुआ था, जिसमें किसी की मौत तो नहीं हुई थी लेकिन उसमें कुछ खिलाड़ी घायल ज़रूर हुए थे, जिसके बाद से पाकिस्तान में बाकी टीमों ने आना बंद कर दिया। लेकिन अब कुछ ही अरसे से कुछ टीमें दोबारा से पाकिस्तान आना शुरू हुई थी। अभी हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे ने भी पाकिस्तान जाकर खेला, लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया और वो भी मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले ही न्यूजीलैंड की टीम ने खेलने से मना कर दिया और हवाला दिया गया कि होटल से निकलते ही न्यूजीलैंड की टीम पर हमला हो सकता है, जिसको लेकर न्यूजीलैंड ने खेलने से मना किया। इस खबर के बाद से ही पाकिस्तान की पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो गई। हालांकि न्यूजीलैंड ने ना खेलने के पीछे पूरी तरीके से क्या वजह दी ये अभी खुलकर साफ तौर पर नहीं आई, बस ये हवाला दिया गया है कि सुरक्षा कारणों की वजह से हमने टीम को वापस बुलाया है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल पूरी सच्चाई है क्या, पूरा मामला क्या है। तो आपको बता दें, न्यूजीलैंड पाकिस्तान में पहुंच चुकी थी और पहला मैच भी शुरू होने वाला था 17 तारीख को। वनडे पहला मैच था, 3 वनडे और 5 T20 मैच पाकिस्तान खेलने गई थी न्यूजीलैंड। अब हुआ ये कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को ये जानकारी मिली कि न्यूजीलैंड की टीम पर होटल से निकलते, मतलब पहला मैच जब शुरू होने वाला था और जब होटल से निकलने वाले थे खेलने के लिए, तो उन पर हमला हो सकता है, ये उनको सिक्योरिटी अलर्ट मिला और इसी सिक्योरिटी अलर्ट के बलबूते उन्होंने खेलने से मना कर दिया 30 मिनट पहले। वनडे शुरू होने से 30 मिनट पहले उन्होंने खेलने से मना कर दिया। सिर्फ वनडे मैच ही रद्द नहीं किया बल्कि जो पूरी सीरीज थी 3 वनडे मैच होगी और 5 T20 मैच होगी, वो पूरी तरह से खेलने से मना कर दिया सुरक्षा कारणों को हवाला देते हुए और अपनी टीम को वापस बुलाने को कहा। लेकिन सभी के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी काफ़ी नाराज़ है और उसका कहना है कि न्यूजीलैंड ने अभी तक पूरी तरीके से ये नहीं बताया कि उसको जो सिक्योरिटी अलर्ट मिला था वो कहाँ से मिला था और किस स्तर का था। ये पाकिस्तान ने सवाल उठाया है और कहा है कि इस तरीके से पूरा दौरा रद्द कर देना ये पाकिस्तान की एक तरीके से बेइज्जती है, बदनामी है, ये पूरी तरीके से पाकिस्तान ने कहा है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज जो शुएब अख्तर हैं, उन्होंने भी कहा है कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के क्रिकेट की हत्या कर दी है, उन्होंने ये ट्वीट करके कहा। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया और जिसमें ये सवाल खड़ा किया कि जब न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 9 पाकिस्तानी मारे गए थे, उसके बाद भी कोरोना जब चरम पर था तब पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ खड़ी थी, ये शुएब अख्तर तक ने कहा। यानी कि साफ तौर पर शुएब अख्तर ने सवाल उठाए हैं न्यूजीलैंड के दौरा रद्द करने को लेकर। इसके अलावा जो पाकिस्तान के रमीज राजा हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया है न्यूजीलैंड के दौरा रद्द करने को लेकर और कहा है कि अब वो जो है इस मामले को ICC में लेकर जाएंगे और ICC इस पूरे मामले को सुनेगा और न्यूजीलैंड को सफाई देनी होगी वहाँ पर। इसके अलावा ये खबर भी है कि जब न्यूजीलैंड ने खेलने से मना कर दिया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से बात भी की और कहा भी कि न्यूजीलैंड की टीम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड ने तब भी खेलने से मना कर दिया और पूरा सुरक्षा का कारणों का हवाला दिया कि हम वहां पर नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी टीम पर हमला हो सकता है। वहीं एक खबर ये भी है कि अब जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया है और न्यूजीलैंड के बाद ही इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान का दौरा करने वाली थी, अब इंग्लैंड भी इस पर विचार करने लगा है कि वो पाकिस्तान का दौरा करें या ना करें। इंग्लैंड ने कहा है कि वो 24 से 48 घंटे के अंदर इस बात पर अपनी पूरी सफाई देंगे कि वो वहाँ पर खेलने जाएंगे पाकिस्तान में या नहीं। वहीं इस पूरी सीरीज के रद्द होने के बाद अब पाकिस्तानी फैंस और जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने एक और सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो न्यूजीलैंड ने दौरा रद्द किया है ये ब्रिटेन की वजह से रद्द किया है और उनका कहना है क्योंकि ब्रिटेन से ही इंटेलिजेंस इनपुट आया था, अलर्ट आया था, इसी वजह से
उन्होंने दौरा रद्द किया। वहीं जब ब्रिटेन से इस बारे में पूछा गया तो पाकिस्तान में मौजूद ब्रिटेन के राजदूत जो हैं उनका साफ तौर पे इससे इनकार, उनका कहना है कि ब्रिटेन ने इस तरह की कोई वार्निंग नहीं दी, ब्रिटेन का इसमें कोई हाथ नहीं है। खैर, इस पूरी सीरीज के रद्द होने और एक बार फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर जो बेइज्जती हुई है उसको आप किस तरह देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।